अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। काबुल फतह करने के बाद अब तालिबान की अगली पॉलिसी क्या होगी और निज़ाम हुकूमत किस तरह चलाया जाएगा? पाकिस्तान का इस पूरी सूरत हाल में रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको अब तमाम चीज़ें ऑन बोर्ड करनी होंगी, अपोजिशन को साथ मिलाकर, और कौमी सलामती का इजलास भी हुआ उसके बाद की जो सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त एक जामे हिकमत अमली के तहत ही अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ सकता है, और चूँकि चाइना अफ़गानिस्तान को की हुकूमत को तालिबान की हुकूमत को कबूल करने को तैयार है, रशिया भी चलने के लिए तैयार है, अमेरिका ने भी इनसाइट्स ये हैं कि वो भी तालिबान के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन चूँकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और सफ़े मातम बिछा हुआ है भारत में, और होना भी चाहिए था क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करता था वो साजिशों का किला कमा हो गया, और इस वक्त खित्ते में भी भारत जो है वो सियासी तन्हाई का शिकार है, क्योंकि ग्रेट गेम का खात्मा हुआ और दूसरी गेम जो है उसका आगाज़ हो चुका है, नया ब्लॉक बनने जा रहा है, और इस ब्लॉक में फ़ायदा क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की जो खित्ते में अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी दाखला और खारजा पॉलिसी किस तरह मरतब करता है, और इस तमाम तरह सूरत हाल का अपने हक़ में इसको किस तरह यूटिलाइज़ करता है, फ़ायदा उठाना होगा पाकिस्तान को, क्योंकि इस जंग में सबसे ज़्यादा जानें भी हमारी गईं, हमारी इकॉनमी भी तबाह हुई और हम डिस्टर्ब भी हुए, दुनिया की तरफ से हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम भी लगे, लेकिन उसके बावजूद आज 20 साल के बाद पे बैक का वक्त आया है और इस पे बैक को हमने कैश करवाना है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियां बेहतर करनी होंगी और बेहतर हिकमत अमली के साथ, चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे एशिया हो, इसमें अपने कार्ड्स प्ले करने होंगे, और हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन को और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर पॉलिसी मरतब करे और इस पॉलिसी के ज़रिए आगे बढ़े। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर थी, अब चूँकि कहा यह जा रहा था कि क्या सितंबर में अमेरिका यहाँ से निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही काबुल जो है वो तालिबान ने फतह कर लिया। अब आगे की जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए, बींग अ पॉलिटिकल लीडरशिप, और चूँकि हमारी जो दफाई अमूर है वहाँ पे तो आर्मी ने अपनी क्लियरिटी दे भी दी, और अब आपको लगता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी सही तरह मरतब करेगी और जो हमें 2001 से लेकर 2021 तक नुकसान हुआ उसका इजाले का वक्त आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान को पहले तो अपना अमन और अपना मुल्क देखना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान के मामले में मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट को जो है ना मजबूत भी करना होगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर हम उसका मुतालबा भी करते हैं, और जो दहशतगर्दी है हुकूमत उस पर किसी किस्म का कोई समझौता ना करें, ठीक है। और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है ना जो भी फैसला किया जाए मैं समझती हूँ वो बेहतर होगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए और यकीनन अफ़गानिस्तान के लिए भी होगा। और जो एक्शन नेशनल एक्शन प्लान के अंदर डिसीजन होगा उस पर बेहतर अंदाज से अमल किया जाए, और पार्लियामेंट के अंदर जो वफाक का किरदार जो है, जो माँ का किरदार उसे अदा करना चाहिए, वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के जिस तरह के आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया हुआ था उस पर हम सब इकट्ठे हुए थे, और पूरी पूरी कौम भी और तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक पेज पे थी, इसी तरह मैं समझती हूँ कि एक पेज पर होने का वक्त है हमारे लिए। बिल्कुल, एक पेज पर होने का वक्त है, और तमाम लीडरशिप को चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे अस्करी साइड से भी ये चीज़ें हो रही हैं, हिकमत अमली वाजे करनी होगी, पाकिस्तान को अपना प्लान मुरतब करना होगा, और पाकिस्तान को ये भी वाजे करना होगा कि वो महाजरीन जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आएंगे और फिर ख़ुद पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान को लेकर किस तरह बिहेव करना है इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, और क्योंकि अब तुर्की की इन्वॉल्वमेंट होगी,
चाइना की इन्वॉल्वमेंट होगी, रशिया की इन्वॉल्वमेंट होगी, और इनके सामने पाकिस्तान अपना मुकदमा कैसे पेश करता है। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपकी मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में क्या चीज़ें डिस्कस हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है, वो अगर जॉइंट सेशन होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है इस मामले में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क्या ओपिनियन है। देखिए, वाजह ओपिनियन तो यही है ना, मैंने आपको पहले जैसे कह दिया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है ना उसका एक्शन होना चाहिए, उस पर जो आए फैसले उस पर अमल होना चाहिए, प्लस जो है ना पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर फैसले होने चाहिए, और इसमें पार्लियामेंट के अंदर जो है ना मैं समझती हूँ कि इजहार राय होना चाहिए, ताकि उससे कौम भी वाकिफ़ हो कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुंतखब करदा जो लीडर्स हैं या जिनको हम मुंतखब करके भेजते हैं, वो मुल्क के दिफा के लिए या आवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस तरह अगर हम करेंगे तो हम बेहतर फैसले भी कर सकते हैं, और वो फैसले हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के लिए भी कारामंद साबित हो सकते हैं। ठीक, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहमा MNA डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान वहाँ पे अपनी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान को क्या चाहिए, उनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। 20 सालों में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी इस जंग के लिए, और आज ये वक्त है कि हम दुनिया को ये बता सकें कि इस वार में हम इसमें हमारी कुर्बानियां थीं, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून की इंट्रा पार्टी पॉलिसी क्या है। अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, आपकी राय मांगी जाती है, तो मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड कर रही है इस पूरे मामले में। डॉक्टर निसार चीमा साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैं जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, अगरचे बड़ी कम आ रही है, बड़ी मध्यम आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी होगी और इंट्रा पार्टी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान को लेकर, कल अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और आपका इनपुट लिया जाता है, तो इस पूरे मामले में चूंकि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो अब इस डेवलपमेंट को, इस चीज़ को कैश कराने का वक्त है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, दाखिला पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं तो इस वक्त सच्ची बात यह मैं सोच रहा हूँ कि सदियों बाद ये मौका आया है कि कुफर की तमाम तर यह है कि ताकत को एक ईमानी ताकत ने शिकस्त दी है और मैदान जंग में शिकस्त दी है, और आज के समय में भी अफगानों ने, तालिबान ने साबित कर दिया है कि जंगें जो है सिर्फ साजो सामान के जरिए नहीं, सिर्फ वसाइल के जरिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज्बा ईमानी के जरिए लड़ी जाती हैं, और उनकी फतह की बुनियाद ही उनका जज्बा ईमानी है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान ने उनकी मदद की अफगानों की, तो वो अपने भाइयों की मदद की थी हमलावरों के खिलाफ, और जिसकी वजह से पूरी अफगान कौम जो थी हमारी ममनून थी। उसके बाद जनरल मुशरफ ने किए किराए पे हर चीज़ पे पानी फेर दिया। 9/11 के बाद उसने अपनी जो गैर आइनी गैर कानूनी सदारत थी उसको अमरीकियों की नज़र में काबिल कबूल बनाने के लिए उसने ये है कि अमरीकियों के टेलीफोन कॉल पे वो बिल्कुल ढेर हो गया, उनके सारे मुतालबात माने और अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ अमरीकी हमलावरों की मदद की, अपने अड्डे भी दिए, और 57,000 एयर अटैक्स जो थे, पेंटागन की रिपोर्ट ये है कि जो अफगानिस्तान पर हमने हमले किए उनमें से 57,000 हमले हमने पाकिस्तान के हवाई अड्डों से उड़ के किए, तो बड़ा हमने जुल्म किया। फिर यह है कि हमने तालिबान के जो उस हुकूमत के सफीर थे जिन पर तमाम तरह डिप्लोमेटिक जो राइट्स थे वो मिले हुए थे, प्रिविलेज थे, उनको हासिल थे, इसके बावजूद हमने अमरीकियों को खुश करने के लिए गुलाम जईफ को, अफगान गवर्नमेंट के सफीर को अमरीकियों के हवाले किया। और सच्ची बात यह है कि वो बड़ा ही है कि एक ऐसा यानी उसके अफगानों के पूरी कौम के यानी ये कि उनके दिल पे जख्म लगा, और पाकिस्तानी कौम जो थी बड़ी अफसरदा थी जब काबुल पर कब्जा किया है अमरीकियों ने, अमरीकियों की मदद के साथ शुमाली इताद में, तो उस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम मुझे याद है अफसरदा थी। आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खुश है, उनका दिल बाग बाग है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ से के बाद
वापस ये है कि आप उन्होंने काबुल जो है उनके उनके कंट्रोल में आया है, पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फौरी तौर पर तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करना चाहिए, हमें पूरी दुनिया को इसके सामने ये मुतालबा रखना चाहिए और बिलखसूस आलम इस्लाम से कि फौरी तौर पर तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करें। और मैं आपको बताऊँ, और ये मेरी याद रखिए कि इंशाल्लाह तालिबान की ना सिर्फ ना पे एक मिसाली इस्लामी हुकूमत होगी बल्कि वही कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हमारे सबसे बड़े और मौसर दस्तों बाजू बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा जो है वो आज खुश नज़र आ रही है। लेकिन ये वक्त है, हमें जो 90s के तालिबान थे, जो 2000 के तालिबान थे, उन तालिबान में और 2021 के तालिबान में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ अब बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है, वो लोग अप टू द मार्क हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपका मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर इस वक्त तालिबान की हुकूमत को कबूल कर लेना चाहिए? दूसरी तरफ जी जी कि तालिबान ने सुन्नत नबी कबूल करते हुए काबुल पे कब्जे के बिल्कुल सबके लिए आम आदमी का ऐलान कर दिया है। जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो ये कि उन तमाम दुश्मनों को, अपने सब उन दुश्मनों को जो उनके जान के प्यासे थे, जिन्होंने उनके ऊपर मजालम की इंतहा कर दी थी, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शहर से निकाल दिया, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए भी कुफारे मक्का ने उनको चैन से नहीं बैठने दिया, बार बार उन पर हमला आवर हुए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातह की हैसियत से उसी में मक्का में तो सबके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। यही बात, यही जो इसी सुन्नत नबी पे हजूर के सही अमल किया, हमेशा अमल किया। जब हजरत बैतुल मुकद्दस पे फातह की हैसियत से दाखिल हुए तो सबके लिए माफ़ी का ऐलान किया। जब मौजूदा इस्तंबोल जिसका नाम कस्तुनिया था पुराना, उसमें सुल्तान मोहम्मद फातेह दाखिल हुए, उन्होंने भी सबके लिए माफ़ी का ऐलान किया। आज सुन्नत नबी पे अमल करते हुए तालिबान ने भी ये काबुल फतह करने के बाद माफ़ी का ऐलान किया है। और मुझे यकीन है कि इसी तामल के साथ, इसी बुर्दबारी के साथ, इसी फराखदिली के साथ इंशाल्लाह वो सबको साथ लेके चलेंगे और अफगानिस्तान में मिसाली इस्लामी मुल्कत जो है वो वजूद में आएगी और उसके पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बरादराना और दोस्ताना मुरासम होंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी उनका किरदार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमारे साथ स्टूडियो में मुसर्रत नियाज़ी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर निसार चीमा साहब की, वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत को इस वक्त देर नहीं करनी चाहिए और अफगान हुकूमत को ऑन कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ वो कश्मीर की आज़ादी की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कश्मीर की आज़ादी बिल्कुल हमें तालिबान की तरफ नहीं, पाकिस्तान चूँकि कश्मीरियों का वकील भी है, सफ़ीर भी है, तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तो बनाए कश्मीर को लेकर, तब आपको कोई थर्ड कंट्री आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, जब तक हमारी अपनी पॉलिसीज बेहतर नहीं होंगी जो इस गवर्नमेंट की हैं, इससे हमें नहीं लगता कि इसकी पॉलिसीज कोई वाज़े पॉलिसीज हैं। जब तक हमारी दाखला पॉलिसीज और खारजा पॉलिसीज बेहतर नहीं होंगी, हमारा अपना जो रवैया है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बेहतर नहीं होगा, हमारी उनके साथ मशावरत नहीं होगी। मैं नहीं समझती हूँ कि हम तनहा कहें कि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लेकर बेहतर अंदाज में चल सकती है। कौमें उस वक्त बेहतर भी चलती हैं सफ़ीर, और जब बेहतर डिसीजन भी लेती हैं जब उनमें एका होता है, तो एके के साथ। और इंशाल्लाह जहाँ तक कश्मीर का मेरे भाई ने कहा है, बिल्कुल अगर मुस्लिम उम्मा जो है ना एक पेज पे हो जाए तो कोई आज़ादी कश्मीर को नहीं रोक सकता। और मैं नहीं समझती हूँ कि हमें फौरन तस्लीम करना या ना करने वाली बातें हैं। जब तक एक्शन जो है ना नेशनल एक्शन प्लान में कोई फैसला नहीं हो जाता, या तमाम जिस तरह के ये खुद MNA हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हाँ ठीक है हम बीइंग अ मुस्लिम या कुछ उस तरह करें। लेकिन बात वही है सफ़ीर के 90s के दौर के तालिबान देख लें, 2000 के दौर के तालिबान देख लें, हमें उनके जब तक इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आएगा हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छे या बुरे तालिबान। लेकिन देखें ना, उन्होंने आमदा पूरे इस अफगानिस्तान के जो इलाके उन्होंने फतह किए,
एक भी जगह पे तशद्दुद नहीं किया उन्होंने। फिर वो काबुल में दाखिल हुए थे, पूरा तरीके से दाखिल हुए, जो लोग जो हलाकते भी हुई हैं वो जहाज पे चढ़ने की वजह से, और वो ये मिसमैनेज हुआ मामला, इसमें भी गोली नहीं चली, और जो 3 लोगों की हलाकतें हुई हैं वो एयर वहाँ पे अमेरिकन फौजियों ने वहाँ हवाई फायरिंग भी की उसके नतीजे में। ओवरऑल देखें टीवी नशरियात उनकी बहाल हो चुकी हैं, वहाँ पे ख्वातीन को उन्होंने काम करने की इजाज़त दे दी है, उन्होंने कहा जी आप हिजाब लें लेकिन आप काम करें, तो ये अच्छा साइन है। पहले तो वो बैठने नहीं देते थे, तालीम के खिलाफ थे, आज वो कह रहे हैं कि स्कूल तालीम। सफ़ीर भाई बहुत अच्छी बात है कि हम तो कहते हैं कि ख़वातीन को, बच्चों को तालीम और ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम ना किया जाए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक, ठीक है बहुत अच्छा कहा कि जी हम माफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं बीइंग अ मदर, मैं वो वक्त और वो वाक़या नहीं भूल सकती जो APS के बच्चों के साथ हुआ था, और उन्हें एक्सेप्ट भी किसने किया था और पकड़े भी कौन गए थे, वही थे। अगर जब तक रब्ता, हाँ अगर उनके रवाबित बहुत अच्छे हैं, बीइंग अ मुस्लिम बहुत अच्छे रवाबित लेकर चलना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हम उसको वेलकम कहेंगे। बिल्कुल आपसे ये कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उस वक्त ज़ाहिर है जब जहाँ खाना जंगी होती है या जहाँ जंग लगी होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे तालिबान के। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मज़ीद चीज़ें बेहतर हों। डॉक्टर निसार चीमा साहब, जो मुसर्रत नियाज़ी साहिबा बात कर रही हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए, आप चाहे मुस्लिम लीग नून हो, जितनी भी हमारे पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके आगे लेके चले। जी मैं अपनी अपनी बहन के अस्पताल में की बिल्कुल पुरजोर तायद करता हूँ, बिल्कुल जॉइंट सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें बिल्कुल खुल के डिस्कस होना चाहिए मामला कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मैंने अपनी राय दी है, लेकिन ये कि पार्लियामेंट का वो जो की जो राय है, जो एक कलेक्टिव विजडम है, वो जो पूरी कौम के नुमाइंदों का ऐवान है, वो जो उसका फैसला जो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। और मैं अपनी बहन को याद दिलाता चलूँ कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ जो हुआ, जो हमारे शहरों में होता रहा, जो हमारे यहाँ पे सब कुछ हमले होते हुए होते रहे, जहाँ पे ये है कि जहाँ जो कत्लो गारत होती रही, उसमें वो इससे लोग वो जो थे जो जो अफगान फ्रीडम फाइटर्स थे, जो असल तालिबान थे वो नहीं थे, उन्होंने हमेशा उससे नातलकी का इजहार किया। ये तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, ये तालिबान का नाम इस्तेमाल करने वाले क्रिमिनल लोग हैं, ये तो जराइम पेशा लोग थे, जो ये है कि जो सिर्फ तालिबान का नाम इस्तेमाल करते थे, असल जो अफगान फ्रीडम फाइटर्स जो असल तालिबान थे, उन्होंने अपने आप को हमेशा रखा और कभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान ने अगर से अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती की, लेकिन इसके बावजूद हमारा मुसलमान भाई है, हम इसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते, ना पाकिस्तान के अंदर हम कोई किसी एक्शन की इस तरह की दहशतगर्दी की हमायत कर सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप जो बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे जॉइंट सेशन और पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत को इस वक्त पॉलिसी मरतब करने का वक्त आ गया है, और वो पॉइंट्स और अपने तमाम थिंक टैंक्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि आज जब पूरी दुनिया में एक हलचल मची है और ये एक चेंज ओवर है, और इस चेंज ओवर में हम अपना हिस्सा भी डाल सकें। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।